नमस्कार किरण, स्वाद के सफ़र में मैं आज चावल और आलू का पैनकेक बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो मैंने दोस्तों, मेरी वीडियो अभी बंद हो गया था, तो मैंने इसमें सब मिला चुकी थी। तो मैं इसको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या मैंने डाला है। चावल को मैंने रात भर भिगोई थी 6 घंटा, और एक आलू वाला था, बड़ी साइज की थी, तो मैंने उसको 5-6 घंटे के बाद चावल को धोया और उसको मिक्सी के जार में डाली। आलू को भी छील कर, बॉयल आलू को छील के साफ करके उसमें जार में डाला। 2 हरी मिर्च और अदरक ऐड करके उसको मिक्सी में ग्राइंड की। दोस्तों उसको ग्राइंड करना है शुरू में इसी ऐसे ही 2-3 बार हल्का सा चलाना है। उसके बाद थोड़ी सी पानी ऐड करनी है, 3-4 चम्मच डालिए, 4 चम्मच के बराबर पानी ऐड करें और फिर मिक्सी को और अच्छे से बारीक पीसें। पीसने के बाद मैंने एक बाउल में लिया और बाउल में मैंने उसमें हरी धनिया, प्याज हरी बारीक कटी हुई डाली, टमाटर हरी कटी हुई, गाजर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, प्याज ग्रीन वाली लीफ उसको काट के डाला है मैंने, और जो भी आप चाहें उसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैंने इसमें 3-4 वेजिटेबल्स डाला है और नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। और जब मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने 1/2 चम्मच इनो डाली हूँ। इनो डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको फेंटे हैं जिससे कि वो पफी बन जाए। और मैं अब इसे पैन में पैनकेक बनाऊंगी, वेजिटेबल पैनकेक। तो ये बहुत ही हेल्दी है दोस्तों, बड़े बच्चे सभी के लिए। आप बच्चे को टिफ़िन में भी देख सकते हो, मॉर्निंग में वो छोटा पैनकेक होता है उसमें भी आप छोटा छोटा डाल के बना सकते हो। तो मैं ब्रश करूँगी और मैं छोटा छोटा पैनकेक बना रही हूँ। इसमें गरम हो गया है, फ्लेम को धीमा कर देती हूँ, लो फ्लेम पर ही डालूँगी। अब इसको मैंने देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने 1/2 चम्मच सभी में डालूंगी। ये बच्चे को भी आप टिफिन दे सकते हैं और झटपट बन भी जाता है। तो दोस्तों ये है कि चावल और आलू को, आलू ठंडा रहना चाहिए एकदम, आप तुरंत आलू उबाल के गर्म करके नहीं बना सकते। तो उसकी तो आलू को आप पहले बॉईल करके रख लें, फ्रिज में भी आप रख सकते हो आलू को और उसको पीसो। मैंने तो फ्रिज में ही रखा था, कल कर लिया था बॉईल। तो देखिए दोस्तों ये मेरा वेजिटेबल पैनकेक आलू और चावल की। तो मैंने अब इसको डाल दिया है, तो अब हम देखते रहेंगे दोस्तों। आप देखिए बन गया पूरा अच्छे से, देखिए ये हो रह गया, देखिए दोस्तों। छोटा भी बना रही हूँ और मैंने बड़ा भी बना के दिखाऊंगी। ये बच्चे को ज़्यादा पसंद आएंगे दोस्तों, देखिए। तो इस तरह आप झटपट बनाइए नाश्ता, बच्चे को दीजिए, बड़े को दीजिए। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, वेजिटेबल पैनकेक तैयार हो गया।
करना चालू कर दे रही हूँ। देखिए दोस्तों, बन गया मेरा पैनकेक। तो बन के तैयार हो गया पैनकेक। अब आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा बना है कलर। आप इसको इस तरह से लीजिए और खाइए। तो दोस्तों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।